अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमैरा ताहिर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस होता क्या है? देखें, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा जाए तो बैंक इंश्योरेंस जो है, इट्स बेसिकली सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांचेस। बैंक इंश्योरेंस में होता ये है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी दे एंटर इनटू अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको साइन करते हैं। उसमें डिफरेंट जो उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो मेंशन कर दी जाती हैं। बैंक का आप लोग सोचते होंगे क्या फ़ायदा है? बैंक का बहुत बड़ा फ़ायदा है। बैंक को एक नॉन इंटरेस्ट बेस्ड रेगुलर लमसम फी इनकम मिलती है, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसके रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो किसी भी कंपनी के, चाहे वो बैंक हो या कोई और फाइनेंशियल कंपनी हो। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या फ़ायदा है? इंश्योरेंस कंपनी का ये फ़ायदा है कि उनको बगैर कुछ इन्वेस्ट किए या फिर बहुत नॉमिनल सी लो कॉस्ट पे ही उनको एक नया मार्केट शेयर मिल जाता है, नए कस्टमर्स मिल जाते हैं, और बाज़ औक़ात उनको ऐसी जगहों से कस्टमर मिल जाते हैं और ऐसी जगह पे उनकी पेनिट्रेशन होती है कि वो अदरवाइज उन जगहों पे जाके अपना ऑफिस जो है उसको एस्टैब्लिश करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे उनको कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा उनको हो सकता है कि एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वेस्ट करना पड़े। अदर देन दैट दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट इनटू एनीथिंग। तो ये हो गया जी बैंक इंश्योरेंस। अच्छा, बैंक इंश्योरेंस में बैंक्स जो हैं दे एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कस्टमर्स। बैंक इंश्योरेंस जो है पाकिस्तान में सबसे पहले 2003 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जुबली लाइफ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जो पायनियर है पाकिस्तान में स्टार्टिंग बैंक इंश्योरेंस, तो क्रेडिट गोज टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड जुबली लाइफ। जुबली लाइफ के सीईओ जावेद अहमद साहब ने इनिशिएटिव लिया था और ही इज़ द वन फॉर इंट्रोड्यूसिंग बैंक इंश्योरेंस इन पाकिस्तान, सो क्रेडिट गोज टू हिम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैंक इंश्योरेंस जो है बढ़ता गया। जैसे लोगों ने देखा कि जुबली लाइफ जो है उसके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया है। अब उसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो अदर इंश्योरेंस कंपनीज दे वर नॉट इन टू बैंक इंश्योरेंस, दे वर इन डायरेक्ट सेल्स, तो वो उन्होंने भी दूसरी तरफ इसमें बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए। बैंक इंश्योरेंस के बेसिकली तीन मॉडल्स हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, एक रेफरल मॉडल है और एक डायरेक्ट सेल्स मॉडल है। इंटीग्रेटेड मॉडल जो है उसमें बेसिकली होता क्या है कि 50% सेविंग्स का जो एलिमेंट है, सेविंग का पोर्शन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक ले लेता है, और जो 50% अबाउट प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस का है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं। वो यहाँ पे आप कह लें कि पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में दिस इज़ नॉट कॉमन, दिस इज़ मोस्टली कॉमन इन मिडल ईस्टर्न साइड, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में। पाकिस्तान और इंडिया में या यूरोप में कह लें, दो मॉडल्स बहुत ज़्यादा जो हैं इसके बैंक इंश्योरेंस के चल रहे हैं, रेफरल मॉडल एंड डायरेक्ट सेल्स मॉडल। डायरेक्ट सेल्स मॉडल में क्या होता है कि बैंक के डेजिग्नेटेड लोग जो होते हैं उनको इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दे दी जाती है। जो भी रेगुलेटरी अदारा है वो स्पेसिफाई कर देता है कि जी इतने घंटे की इस बंदे के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, देन ही और शी विल बी एबल टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो वो अब जो डायरेक्ट सेल्स मॉडल है वो बैंक के ही बंदे होते हैं, उनको कुछ घंटों की या कुछ दिनों की ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसके बाद दे आर एलिजिबल टू सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो रेफरल मॉडल है उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी की अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 85-90%।
Why? Because they place their people into bank branches. Bank उनको टेबल दे देता है बैठने के लिए, हो सकता है फोन भी हो उनके पास, हो सकता है लैपटॉप हो सकता है उनके पास एक पीसी हो, और वहां पे वो बैठ के बैंक के कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। ये रेफरल मॉडल है जिसमें कि ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये तीन मॉडल्स हैं, एक का तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे नहीं है। इंटीग्रेटेड मॉडल जो है वो ज्यादातर मिडल ईस्टर्न साइड पे चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स मॉडल भी है, रेफरल भी है। अब रेफरल जो है मॉडल, जो कामयाब मॉडल है वो, या जिससे ज्यादा फायदा गहले हो रहा है इंश्योरेंस कंपनीज को, इट्स रेफरल मॉडल। वाई? बिकॉज ऑफ द मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एक तो आप चीज देख लें, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस पर्सनल जो है, दे विल बी और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग ओनली इंश्योरेंस, नथिंग एल्स। बट जो डायरेक्ट सेल्स का बंदा होगा या मॉडल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी किसी बैंकर की होती है, रनिंग फाइनेंस, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्गेज, जो भी है उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट्स जस्ट लाइक जगलिंग। मे बी अगर आपके एक टारगेट एक चीज के पूरे होते हैं तो दो के नहीं होते होंगे, तो इट्स वेरी टफ फॉर देम। एंड देन दे बेशक आफ्टर गेटिंग द यू नो प्रॉपर ट्रेनिंग, मगर जितना एक इंश्योरेंस पर्सनल एक नॉलेज दे सकता है, और जिसके सर पे सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही प्रोडक्ट की, वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द डायरेक्ट सेल्स मॉडल। तो मुझे लगता है पर्सनली रेफरल मॉडल की कामयाबी जो है वो, इट्स बिकॉज ऑफ मोर इन्वॉल्वमेंट, मोर पेनिट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में सबसे ज़्यादा कामयाब मॉडल समझा जाता है, वो है रेफरल मॉडल। अच्छा, इसके बाद ये है कि हमें देखना चाहिए कि बैंक इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। जो बैंक इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंक्स के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता देती हूँ, वो है नॉन इंटरेस्ट बेस्ड फी इनकम। एक लमसम अगर किसी को 60-70% इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उसमें से 60-70% उनको इनकम मिल रही है या इंसेंटिव मिल रहा है बैंक को, तो उसमें उनको बैठे बैठाए जिसमें वो कुछ बैंक इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली हर बैंक चाहेगा कि इस तरह से हम किसी के साथ बैंक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और हमें ये फी इनकम जो है वो मिलनी शुरू हो जाए। अब इसमें सिर्फ बैंक को नहीं मिलती इनकम, इसमें ब्रांच मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, हु एवर इज इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ही और शी गेट हिज शेयर ऑफ सर्टेन परसेंटेज। तो उनको उनकी सैलरी के अलावा इनकम मिल रही होती है, तो एम्प्लॉयज का मोरल इससे बूस्ट होता है, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है बैंक्स के लिए भी, बैंक के एम्प्लॉयज का भी फायदा है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज का क्या फायदा है? इंश्योरेंस कंपनीज का ये फायदा है कि विदाउट इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग एल्स और इनटू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी क्या कहना चाहिए कि इंश्योरेंस का ऑफिस सेटअप करने के बगैर उनको उनकी इनकम जनरेट या कंपनी का रेवेन्यू जनरेट शुरू हो जाता है, और अगर कोई कॉस्ट होगी भी तो वो भी बहुत लो कॉस्ट होगी, दैट्स जस्ट अबाउट हायरिंग द एम्प्लॉयज। तो इंश्योरेंस कंपनी एक नई मार्केट को पेनिट्रेट कर सकती है, एक नई मार्केट को टच करती है, और जो उसको बैंक के कस्टमर्स मिलते हैं, और बैंक के कस्टमर्स जो होते हैं उनका बैंक्स पे बहुत ट्रस्ट होता है, और दे आर मोर विलिंग इन टू साइनिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक के प्लेटफॉर्म से, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा है। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कस्टमर्स का क्या फायदा है, उनका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए कि वो अगर इंश्योरेंस कंपनी का हो रहा है, बैंक्स का हो रहा है, तो कस्टमर्स का जो मेन फायदा है
वो है वन स्टॉप विंडो फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स। आई मीन आजकल की जिंदगी में आप जाएं कहीं भी जाएं, आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि पार्किंग है या नहीं। आपको पार्क करेंगे या दो तीन चक्कर लगाएंगे, तो मतलब इफ आई लुक एट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको एक ही जगह से आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो चेकिंग अकाउंट आपने खोलना है या आपने वहां से कोई रनिंग फाइनेंस लेना है, ऑटो लोन का है, इंश्योरेंस की नीड्स है, सेविंग की है, तो वो सारी आपकी एक ही जगह से पूरी हो जाएंगी। जिस तरह से हम किसी मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, और हम कहते हैं सारी जगह सारी चीजें इसी जगह से मिल जाए, हमें ज्यादा जगहों पे फिरना ना पड़े, तो कस्टमर का वो फायदा है। अब एक और फायदा आ गया। पहले तो कभी किसी जमाने में होता था कि एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक बैंक है और उसमें एक या दो प्रोडक्ट्स हैं। अब ये है कि बैंक्स ने चार चार पांच पांच इंश्योरेंस कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कस्टमर्स के लिए अच्छा है कि दे हैव मोर प्रोडक्ट्स टू कंपेयर, के कौन सी कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। ये ब्रोशर्स ले लें आप, उनको कंपेयर करें, घर ले जाएं, नेट पे सर्च करें, बजाय इसके कि जो आपको किसी सेल्स पर्सन ने कहा, एंड यू जस्ट ट्रस्ट हिम और हर। सो डू लिटल होमवर्क, कंपेरिजन कर ले उसका। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है कस्टमर्स के लिए कि वो कंपेरिजन कर। अब जिस तरह से बैंक इंश्योरेंस के फायदे हैं, बैंक इंश्योरेंस में कुछ रिलेटिव कंसर्न्स भी हैं या ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर बैंक के एंड पे हम देखें कि बैंक के रिलेटिव कंसर्न क्या हो सकती है, तो बैंक की मेजर रिलेटिव कंसर्न ये है कि जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं कैनिबलाइज ना कर दें बैंक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को। इंश्योरेंस कंपनी कहीं अपने दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे कस्टमर्स को सेल ना करने लग जाएं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसका सिर्फ बैंक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, और उसके डायरेक्ट सेल्स मॉडल भी होता है, डायरेक्ट सेल्स में भी होती है। तो सब लोग नहीं, बट कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जो बैंक इंश्योरेंस के कस्टमर्स हैं उनको वो डायरेक्ट सेल्स का प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल लाइफ का वो सेल कर दिया। तो वो ये एक बैंक की मेजर कंसर्न रही है और है, उनको ये होता है कि कहीं हमारे प्रोडक्ट्स या फिर हमारे जो सेविंग के प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, कि हमारे में कोई इन्वेस्ट ना करे और वो सारे के सारा शेयर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाए। तो ये बैंक्स की एक मेजर कंसर्न रही है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की कंसर्न अगर देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की ये मेजर कंसर्न है कि ऐसा ना हो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट्स देख के जो बैंक है वो और कंपनियों के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन करे। और ऐसा हो रहा है, मतलब अब आप देखें अपने इर्द गिर्द तो बैंक्स में एक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो खैर आप प्रोडक्ट का तो छोड़ दें, उनका बैंक के जो बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स हैं इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन इंश्योरेंस कंपनी, दे आर साइनिंग विद एवरी अदर इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, ये एक हो गया। इसके अलावा इससे भी ज्यादा कंसर्न चीज ये है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि इतने ज्यादा प्रॉफिट्स और वॉल्यूम्स देख के बैंक के अपनी ही इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट ना कर लें। अच्छा, आप लोग कहेंगे ये इतना आसान काम नहीं है, बट आप अगर देखें थोड़ी सी रिसर्च करें तो बहुत सारे बैंक्स हैं उनकी अपनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। हो सकता है उसमें लाइफ इंश्योरेंस ना हो, उसमें जनरल इंश्योरेंस हो, बट दे आर स्टार्टिंग एंटरिंग इनटू लाइफ इंश्योरेंस एंड देन इनटू बैंक इंश्योरेंस। और जब वो अपनी कंपनी के साथ भी बैंक इंश्योरेंस करेंगे किसी और कंपनी के साथ में, तो ऑब्वियसली उनका क्या होगा एम कि अपनी कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, अपनी सिस्टर कंसर्न को ज्यादा फायदा पहुंचाए, ये ऑब्वियस है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज की कंसर्न है और रहेंगी, और इनसे उनके मार्केट शेयर पे फर्क पड़ सकता है। बैंक इंश्योरेंस की कामयाबी की एक और वजह भी है, मैं आपको बताऊं।
बैंक इंश्योरेंस में इंसेंटिव या कमीशन जो है वो बड़ा अच्छा दिया जाता है बैंकर को भी, इंश्योरेंस पर्सनल को भी, टॉप टू बॉटम हूएवर इज इन्वॉल्व। तो ऑब्वियसली जब उनको इस तरह के इंसेंटिव मिलते हैं तो वो जान लगा देते हैं टू मेक दिस हैपन और टू मेक दिस थिंग सक्सेसफुल। ये भी एक की फैक्टर है। अब थोड़ी सी मिस सेलिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो इसमें चीज है वो मिस सेलिंग का एलिमेंट है, मिस सेलिंग का एलिमेंट इसमें पाया जाता है। मिस सेलिंग जो है वो सेल्स पर्सन के बिहाफ पे भी हो सकती है, और उसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट वो तो खैर कहीं पे भी हो सकता है कि मतलब कस्टमर अपनी बात जो है वो सही नहीं बता रहा, वो जिस तरह से जो कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं उसकी, वो उस तरह से बता नहीं रहा। अब बेसिकली अगर मिस सेलिंग की बात करें, मिस सेलिंग क्या है? मिस सेलिंग वो है कि आप हकायक को छुपा रहे हैं, जो बात सही है उसको नहीं बता रहे हैं, जो बात आपको जिस तरह से बतानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं बता रहे हैं कस्टमर को अगर कि ये आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर सेविंग का भी एलिमेंट है, प्रोटेक्शन भी है, इसमें आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। आप उसको खाली कह देते हैं कि भाई आपको तो ना एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी एक साल बाद। अगर ये प्रोडक्ट वो नहीं है कि जी एक साल बाद, ठीक है, ये खाली सेविंग्स का प्रोडक्ट तो नहीं है, ये बेसिकली आप प्रोटेक्शन बेच रहे हैं, तो किसी को बताएं कि ये प्रोटेक्शन है कि भाई खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ मिसहैप आपकी फैमिली को इससे फायदा होगा, ठीक है। तो मिस सेलिंग का एलिमेंट है। अब वो उसको खत्म करने के, कम करने के अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैंक्स ने या इंश्योरेंस कंपनी के रेगुलेटर्स ने, स्टेट बैंक ने मुतारफ करवाई हैं, जिसमें कॉल बैक भी है। कस्टमर को एक रेगुलर कॉल बैक जाती है कि आपको पता है जी आपने ये खरीदा, ये तो आर यू श्योर, आर यू हैप्पी विद योर प्रोडक्ट, डन करें इसको, इशू करें आपकी प्लान। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और आखिर में ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें अगर उनको अच्छी लगी है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अगर बहुत ज़रूरत हो घर से बाहर निकलने की तो मास्क पहने, ग्लव्स पहन के निकलें, अपना ख्याल रखेंगे तो ही फ़ायदा है हमारा भी और हमारे आसपास रहने वालों का भी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।